अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आरती टिकू ने, हम जिनको टीवी पे भी देखते रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से बात करती हैं। थैंक यू सो मच आरती, आज आप आई हैं। थैंक यू। थैंक यू अर्जु, मैं हमेशा ही एंजॉय करती हूँ तुम्हारे शो आने शो पे। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज। थैंक यू सो मच। आज मैं आपसे थोड़ा मीडिया की ही बात करूंगी। हमारे एक्चुअली आज एक बिल अनाउंस किया गया या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया को लेकर, और वो है कि जी डिसइंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन बिल, कि जिसमें ये होगा कि अगर कोई बहुत कोई गलत फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है या कुछ किया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। तो डू यू थिंक इस किस्म के बिल्स होने चाहिए, और क्या इंडिया में कोई चेक एंड बैलेंस है? जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपके यहाँ वो एक पाकिस्तानी गई हुई है, सीमा भाभी वो अचानक से हो गई, तो वो न्यूज़ को बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है, तो उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको वो केस कैसा लगता है, कि फेक है या कि वाकई में कोई लव स्टोरी है? क्योंकि बहुत से इवन जर्नलिस्ट जो है वो भी ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि एजेंट नहीं है, कोई लव स्टोरी ही है। लेकिन ये डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन, क्या इस किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस भारत में है? देखिए, पाकिस्तान और भारत की तुलना जो है, मुझे लगता है, हमेशा ही लगता है कि बहुत ही गलत तुलना है। दो कंट्रीज़ का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारा इतिहास रहा है 1947 से लेकर अभी तक, वो बहुत दो अलग टाइप की जर्नीज है, दो अलग टाइप के सिस्टम्स है, दो अलग टाइप का की जो गवर्नेंस है। तो हमेशा ये तुलना जो है मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि एक तरफ आप बात कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है 1947 से शुरू हुई और आज तक लगातार चलती आ रही है, और वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बहुत सारे लॉज, बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स भी हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो एक लगातार एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो इतिहास बिल्कुल ही अलग है। आप लोगों का एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, आप लोगों ने कोशिश की, कुछ लोगों ने, आपके यहाँ कुछ पार्टीज़ ने कोशिश की, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो अपनी जड़ें नहीं बना पाई पाकिस्तान में। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है वो नहीं हो पाई। आपके जो कानून भी है वो कानून, एक मिलिट्री डिक्टेटर आता है तो वो सारे पुराने कानून तब्दील कर देता है और नए कानून लाता है, और दूसरा आ जाता है तो वो बिल्कुल रिवर्स कर देता है। तो हमारे यहाँ उस तरह का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जो, अगर आप देखें, एक कंसिस्टेंसी है, चाहे कोई भी पावर में आए, वो कांग्रेस पार्टी हो, वो बीजेपी हो, जो बड़े बड़े लॉज है, बड़े आइडियाज है, वो हुआ, अगर आप देखें कि राइट टू एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल, वो कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट किया, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, दोनों पार्टीज जो है, दोनों सरकारों, जब जो जो सरकार आई उन्होंने कैरी किए वो सारे लॉज, वो लेजिस्लेशन। और वैसे ही जब राइट टू प्रिवेसी, जो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया राइट टू प्रिवेसी पे, कि वो एक फंडामेंटल राइट की तरह ही है, तो ये सारी कानून और कानून की व्यवस्था जो है बहुत अलग है। आप कहेंगे कि डिसइंफॉर्मेशन जो है आपके यहाँ, आपका क्या मैं कहूँ, मतलब जब आपके यहाँ डिक्टेटरशिप होती है तो हमें मालूम है कि सारे जो प्रेस में जो भी छपता है वो आर्मी और आईएसआई की मर्जी के बिना नहीं छपता, और जब सिविलियन गवर्नमेंट भी होती है तो हमें ये मालूम है कि अगर आपने आर्मी की लाइन टोर नहीं की, आपके अखबारों के कई सारे पत्रकार जो है गायब हो जाते हैं, आपके पत्रकारों पे हमले होते हैं, मतलब खुलेआम गोलियां चलती हैं। तो ऐसा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके अपने पत्रकार हमीद मीर लीजिए, या वो एक वो ये जो यूएस चले गए हमारे एक दोस्त थे, आरिफ जमाल थे, वो अभी भी दोस्त हैं, वो एक रिजवी हुआ करते थे, उनकी उनके साथ जो हुआ,
ये तो आपके यहाँ इशू है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे, अगर आप अगर यहाँ डिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक कानून ला रहे हैं पाकिस्तान में, उसका तो मतलब यही मुझे जो समझ आता है कि आप बहुत सारे पत्रकारों की अब शामत आई है पाकिस्तान में, मतलब कि आर्मी का जो पकड़ है, जो उनकी जो पूरा मीडिया कंट्रोल करते हैं वो, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा खुले से लिखने के लिए या मेन स्ट्रीम चैनल। आप मेन स्ट्रीम में नहीं है, आप मेन स्ट्रीम ना तो प्रिंट में है ना ही टीवी में है, तो हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव जो सोशल मीडिया ने स्पेस की है उसमें लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान में अगर डिसइंफॉर्मेशन के लिए कोई आता है तो इसका मतलब यही होगा कि जैसे मुझे याद है इमरान खान के टाइम पर भी ब्लेस्फेमी को लेकर, या उससे पहले मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ तक, नवाज शरीफ से लेकर भुट्टो तक, और भुट्टो से लेकर इमरान तक, सबके सब सरकारों में ब्लेस्फेमी को लेकर तो साफ है कि आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आपने बोल दिया तो आप इंस्टेंटली जो है आप उसमें कटघरे में खड़े हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप कोई आर्मी के खिलाफ कुछ बोलते हैं या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, वो इकोनॉमी को लेकर हो, वो करप्शन को लेकर हो, वो जो पॉलिटिक्स खेलते हैं उसको लेकर हो, या जो ये जहादी टेरर कैंप आर्मी चला रही है इतने सालों से, चार दशक से भी ज्यादा, अगर आप लिखना शुरू कर दें तो आपको तो बोल दिया जाएगा कि आप तो इंडिया इंडियन एजेंट है, आप पे तो वो ठप्पा लगा लग जाएगा कि आप तो रॉ एजेंट है, आप तो इंडियन एजेंट है। तो मुझे लगता है ये प्रेस फ्रीडम के लिए पाकिस्तान में और भी खतरनाक पैदा हो सकता है। इंडिया में एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। इंडिया में कई बार ये भी हुआ है डिसइंफॉर्मेशन की वजह से, आपको याद होगा वो कुछ टाइम पहले लिंच मॉब्स का एक फिनोमिना इंडिया में चल रहा था कुछ कुछ जगह पे। वो क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान से कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो चलाए जा रहे थे, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में हजारों लोग जुड़े होते थे, और अगर आपने अफवाह फैला दी कि कोई मुसलमान जो है उसको पिटाई हो रही है, या आप ये अफवाह फैला दी कि आपके बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया, तो उस पर तो बवाल ही खड़ा हो जाए। तो उस तरह की सिचुएशन को संभालने के लिए इंडिया में कई सारे कानून है डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेशन के लिए, और लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आरती टिक्कू जिसने, मैंने तो यहाँ सरकारों के खिलाफ लिखा है, सरकारों के खिलाफ बोलती आ रही हूँ, पर ये नहीं हो सकता है कि आरती टिक्कू जो है वो जेल जाएगी, या ये नहीं होगा कि कल को आप मुझे कोई गोली मार देगा। तो उस तरह का सिस्टम नहीं है इंडिया में, इसीलिए मुझे लगता है कि ये आपके यहाँ जब ऐसी चीज हो तो ये मान के चलिए कि आर्मी की पकड़ मजबूत हो रही है। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज हो, डिसइंफॉर्मेशन लॉज हो, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि बहुत से जर्नलिस्ट इस वक्त भी जेल में हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा। कई लोगों का उन्होंने जो है वो बताया है, मतलब नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट जो है वो जेल में। ऐसा नहीं है कि भारत में ठीक है हमारी तरह गायब नहीं किया जाता, लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई केस बना के उन्होंने कहा कि जी जेल में डाल दिया। अब ये मुझे नहीं पता कि वो चीज कहाँ तक सही है, बट स्टिल अभी जो एक और केस जवाब आपके यहाँ। जी जी चाहती हूँ। हाँ ये जो है, ये जो ऑपोजिशन है, देखिए ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी, ये अपनी अपनी जगह राजनीति करते हैं और इनको करने दीजिए, लेकिन फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो जिनको ये जर्नलिस्ट कहते हैं और इनको कहते हैं कि ये जेल में है, ये एक्चुअली एक्चुअली जर्नलिस्ट नहीं थे। ये बात करें, मुझे मालूम है कि इनकी बात करते हैं, ये उन एक्टिविस्ट की बात कर रहे थे कश्मीर में। आपको मैं आपके दर्शकों के लिए समझाना चाहती हूँ, 1989 में जब दहशतगर्दी पाकिस्तान ने शुरू की कश्मीर में, तो पूरी मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी या कई सारे रीजनल मीडिया भी जो था,
जिसमें बहुत तादाद में कश्मीरी हिंदू काम किया करते थे, तो वो टारगेट टारगेट हुए, दूरदर्शन के हमारे चीफ थे वो टारगेट हुए। और इसी तरह से कई सारे जो बाकी न्यूज़पेपर्स के थे उनके खिलाफ फतवे जारी हुए, मस्जिदों से फतवे जारी हुए, हिजबुल मुजाहिदीन ने फतवे जारी कर दिए। और मैं चूंकि उस फैमिली से, मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि हम, मेरी फैमिली जो है न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे आगे थी, आगे क्या थी, इनफैक्ट हम एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे न्यूज़पेपर मैगजीन्स के पूरे डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारी फैमिली को धमकियां दी गई कि ये जो अन इस्लामिक लिटरेचर आप पढ़ाते हैं और ये जो है ये बंद, या बंद कीजिए या तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह की धमकियां हमको दी गई और मीडिया को पूरा काबू कर लिया आईएसआई ने, और बहुत सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू की। आपको याद होगा शुजात बुखारी, कुछ साल पहले वो, उनको दिन दहाड़े आतंकियों ने उनका खून किया कश्मीर में। तो पिछले 35 साल में कश्मीर में सिर्फ वो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा था और आईएसआई की वाहवा कर रहा था और आज़ादी के नारे लगा रहा था, हिंदुस्तान के खिलाफ जो नारे लगाता था, हिंदुस्तान के बारे में गालियां लिखता था और हिंदुस्तान के अगेंस्ट सस्टेन्ड कैंपेन चलाता था, उनको पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आईएसआई वाहवा करती थी, उनको शाबाशी देती थी। तो इससे क्या हुआ, एक 30-35 साल में एक माहौल बन गया कि बच्चे जो है, नए नए बच्चे, एक्टिविस्ट बच्चे जो आज़ादी, जिनको पता भी नहीं था कि ये क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, कौन चला रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये सारा इनको कुछ नहीं पता था। और ये कई सारे बच्चे इसमें गुमराह हो गए, वो आईएसआई और पाकिस्तान के इशारों पे चलने लगे। और वो लोग जर्नलिज्म के नाम पे, बेसिकली जर्नलिज्म के नाम पे वो दब्बा थे, अभी भी है, और लेकिन उनके जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स आईएसआई के साथ और कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने में उनका पूरा हाथ, सेपरेटिज्म कराने में पूरा हाथ, और छोटे छोटे बच्चे, इनोसेंट बच्चे, कश्मीरी मुसलमान बच्चे, कश्मीरी हिंदू लोग जिनकी इतनी हत्याएं हुई, इतने इनके साथ इतनी जातियां हुई पिछले 35 साल में, कि ये लोग किस बलबूते पे कहते हैं कि ये जर्नलिस्ट थे, मुझे नहीं समझ आता है। जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट, मतलब आपने पाकिस्तान आईएसआई ने बंदूक लगा के किसी को बोल दिया कि ये लिख दो, सेपरेटिज्म लिख दो, इंडिया के खिलाफ गालियां लिख दो, या उसको एल्योर करके उसको आपने कंप्यूटर दे दिया या आईफोन दे दिया, मैक कंप्यूटर दे दिया, और आप सोचते हैं कि वो जर्नलिस्ट है। नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है। इसलिए मैं, ये बिल्कुल गलत है, ऑपोजिशन को वैसे भी कुछ पता तो है नहीं, फैक्ट्स तो उनको मालूम नहीं है, ना तो सरकार को मालूम है ना ऑपोजिशन। इसीलिए मेरी हर सरकार के साथ लड़ाइयाँ होती रही है, हर सरकार के लोगों को मैंने चैलेंज किया है कि उनको कश्मीर में क्या हो रहा था 40 साल से कुछ नहीं पता था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने बात की थी तो अच्छा हुआ कि मैंने आपसे पूछ लिया, और अब लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि उस बात की रियलिटी क्या है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी पूछूंगी आपसे कि अभी एक न्यूज़ और चल रही है आपके यहाँ, और वो कहाँ तक रियल है ये तो आप ही मुझे बता सकेंगी, कि एक भाभी आपके आ गई है पाकिस्तान से, और सीमा भाभी, बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं ये एजेंट है, लेकिन आपके मीडिया के भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं ये एजेंट नहीं लगती, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि क्या हो सकता है, इसके अंदर कोई खास बात है या फिर ऐसे ही एक सिंपल लव स्टोरी है? देखिए आरजू, चूंकि मेरे पास इस वक्त एविडेंस नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मेरे सामने एक किस्सा है जिसमें बहुत सवाल खड़े होते हैं, और मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट मेरा कर्तव्य है कि मैं अभी अपनी जजमेंट जो है इसके बारे में मैं ना करूं जब तक मेरे पास पूरे फैक्ट्स ना हो, सारे सवालों के जवाब ना हो। अभी बहुत सारी जो मुझे लग रही है कि सारा किस्सा जो है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एक तो ये कि ये जो सीमा जी के पति है, सो कॉल्ड पति है,
इन्होंने इनका और उनका ये कैसे, इनफैक्ट एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने कहा, उसके पति ने कहा कि मैंने उनको मैसेज नहीं भेजे, ये सीमा जी है, सीमा हैदर, वो उनको फंसाना, उन्होंने उनको फंसाया। ये उसके पति ने खुद कहा है, आप वीडियोस चेक कर सकती है, कि सीमा ने ये हिंदुस्तानी लड़के को फंसाया। अब साथ में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि उनके घर पे इतने सारे वो कागजात मिले हैं कि वो नेपाल में, मतलब पासपोर्ट्स मिले हैं, बहुत सारे जो सवाल हैं उनके प्रश्न, उनके जवाब जो है बहुत बहुत ही स्ट्रेंज है, क्योंकि सीमा को कई सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई है। कोई पत्रकार है, उनको बोला कि आप मुसलमान हैं तो आप कलमा पढ़िए या कुछ कुछ सुर सुनाइए उसमें जो सुरा है कुरान के, तो वो नहीं सुना पाए। साथ ही में कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो लड़की है, चार बच्चे लेकर ये आती है, और ये विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब ये आप सोचे कि ये क्या लॉफुल, पहले तो ये है कि ये लीगली तो आई नहीं है, ये इलीगली आई है इंडिया, तो इलीगल जब आप कैटेगरी में है तो आप पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होंगे, वो एजेंट है कि नहीं, वो किसकी एजेंट है हमें नहीं पता, वो ISI की है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन इस औरत पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अपेरेंटली उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है माना जाता है, अपेरेंटली ये भी माना जाती है, ये भी सुना मैंने, कहीं पढ़ा मैंने कि उसकी कई फैमिली के मेंबर्स पाकिस्तान आर्मी में हैं। तो कनेक्शन के साथ, कनेक्शन वाली लड़की जिसके कनेक्शंस भी है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो खड़े होंगे उस पे, लेकिन क्या वो इनोसेंट है या वो गिल्टी है, मैं नहीं कह सकती हूँ अभी, ये बहुत मुश्किल कहना। कई सारे लोग जो है ये बेवकूफों की तरह, मतलब रोमांटिक स्टोरी पे अपना मतलब दिल फेंक रहे कि हाँ कितनी क्यूट लव स्टोरी है। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में कई सारे जवान जो है, इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, इतने सारे केसेस है हनी ट्रैपिंग की, इतने सारे केसेस है कि जहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो है मिसयूज हुए हैं, किसी लड़के को किसी लड़की ने फंसाया, और वो फंसते फंसते वो व्हाट्सएप नंबर खूब सारे दे के उसको उसके साथ शेयर करता है, फिर OTP शेयर करता है, और बहुत सारे ऐसे हमारे स्कैम्स हो रहे हैं और हनी ट्रैप हो रहे हैं सोल्जर्स। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर पाकिस्तानी एक औरत किसी हिंदुस्तानी लड़के को फंसा रही है और फिर जाके उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये लड़की जो है वो कह रही है इसने अपना घर बेच दिया, और बेचने के बाद मतलब इतनी मनगढ़ंत कहानियां लग रही है। पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हाँ वो वाकई इस लड़के से प्यार करती, लेकिन चूंकि वो इलीगल वे में आई है तो इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये लड़की चार बच्चों के साथ आई है, इसका हस्बैंड कह रहा है कि हाँ ये मेरी बीवी थी, और कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कोई ऐसा नहीं है। तो इतना कंफ्यूजन है इस स्टोरी में। सबसे बड़ी बात मेरे को जो लगती है कि ये औरत जो है, चार बच्चे इसने कर लिए, चार बच्चे पैदा हो गए, और उसके बाद ये मतलब हैरानी वाली बात है, चार बच्चों की माँ जो है PUBG खेल रही है। तो ये तो मुझे सबसे ही बड़ा शॉक लग रहा है कि चार बच्चों की माँ है, चार बच्चों की परवरिश में उसका टाइम जाना चाहिए कि ये PUBG पे रोमांस खेल रही है। ये भी मुझे मतलब ये सारी मतलब शॉकिंग चीज है, क्योंकि जनरली आप देखें कि चार बच्चों की माँ जिसके पास बहुत सारे एवेन्यूज नहीं है, वो गरीब है, तो उसके पास PUBG खेलने का टाइम कहाँ होगा, उसके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट और ये सब, अगर उसके पास कुछ है ही नहीं और उसने घर बेच दिया, तो मतलब वो किस तरह की माँ है, ये मेरे समझ से बाहर है। बहुत सारे क्वेश्चंस है।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में जो है वो एक डिवीजन नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग उसका साथ भी दे रहे हैं और उनका कहना ये है कि नहीं, हमें कहीं से एजेंट नहीं लगती, और स्पेशली उस एरिया के लोग जहां वो गई है। लेकिन फिर भी हम मेरे ख्याल इंतजार करते हैं कि एजेंसीज की रिपोर्ट आए और फिर कुछ क्लियर हो कि असल बात क्या है। लेकिन वाकई में बड़ी हैरत की बात है कि 4 बच्चों के साथ ट्रैवल करना और उसके बाद वहां पहुंच जाना, वो भी विदाउट वीजा। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल कोई आम पाकिस्तानी जो सिटीजन है वो भी नहीं कर पाएंगे जो वो कर गई है। थैंक यू सो मच क्या आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू आरसू। थैंक यू।